ब्लॉग्स और होप करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। और 14 को है मकर संक्रांति, तो इसी अवसर पर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मकर संक्रांति स्पेशल लड्डू रेसिपी, यानी कि तिल के लड्डू रेसिपी, और वो भी ट्रेडिशनल स्टाइल में, जैसा कि हमारे माँ दादी नानी बनाया करती थी, ठीक उसी स्टाइल में बनाकर दिखाऊंगी आज मैं आपको। तो सबसे पहले तो वीडियो को शुरू करने से पहले, यानी कि लड्डू की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सेम टाइम पे डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप का फेस्टिवल मनाया जाता है, कहीं पे पोंगल, कहीं पे माघ बिहू, कहीं पे मकर संक्रांति, और भी कुछ कुछ होगा मुझे उतना पता नहीं है। तो क्योंकि हम आसाम में रहते हैं तो आसाम में इस टाइम पे मनाया जाता है माघ बिहू, जिसमें मॉर्निंग में उठ के शावर लेना होता है और फिर सभी एक साथ, जितने भी फैमिली मेंबर्स है, सभी एक साथ बैठ के बीच में जुई जलाया जाता है, राउंड होके बैठते हैं और बीच में जुई जलाया जाता है, जुई यानी कि फायर, और इसे मैजी कहा जाता है इस टाइम पे। तो मैजी जलाया जाता है और सभी एक साथ बैठ के वहां पे चाय पीते हैं, पीठा, तेल पीठा, तिल पीठा, ये सब खाते हैं एक साथ बैठ के, और बहुत ज्यादा गप्पे शप्पे भी मारते हैं। तो ये सब होता है और तिल का भी काफी सारे बेनिफिट्स है इस टाइम पे। तो जैसे ही मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, रेसिपी के साथ साथ मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में भी बताती जाऊंगी। तो चलिए, बहुत ज्यादा बातें कर ली है आप लोगों के साथ, अब रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई लगा दिया है गैस पे और ये सफेद तेल यूज करने वाली हूँ मैं। और गैस को मैं बिल्कुल भी सीम नहीं करूंगी, क्योंकि अगर सीम करती हूँ ना तो फिर तेल जो है वो चटकेगा नहीं, मतलब चटकता नहीं है। तो जल्दी जल्दी मैं इसे हिलाती रहूंगी तेल को, अभी मतलब उतना गर्म नहीं हुआ है सो चटकना शुरू नहीं हुआ, जैसे ही गर्म होगा तिल चटकना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक तिल चटकता नहीं है तो वो टेस्टी भी नहीं बनता है और एक अच्छा सा खुशबू आने लगेगा तिल में से। तो इसे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ तिल को, और इस टाइप से तिल को रोस्ट करके हम रोस्टेड तिल को काफी दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, बाद में कुछ रेसिपीज में यूज कर सकते हैं। तो इसमें ना कीड़ा नहीं लगता है, फिर बहुत दिनों तक, 6 महीने तक भी चल जाता है। इसे बस हिलाते रहना है, ऐसे चलाते रहना है। तिल से हमें काफी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तिल हमें डायबिटीज के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं, कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं, फिर हमारे मुंह से बदबू को दूर करते हैं, और फिर हार्ट को भी स्वस्थ रखते हैं, और ये हमारे बॉडी को भी गर्म रखते हैं। तो इसलिए गर्मियों में तिल ज्यादा नहीं खाया जाता, हाँ कभी कभार खा सकते हैं, और सर्दी के सीजन में ही तिल खाने का जो रिवाज है वो सर्दी के सीजन में ही, क्योंकि तिल हमारे बॉडी को गर्म रखते हैं। तो काफी सारे बेनिफिट्स है, ये चटकना शुरू हो गया है, गिर रहा है नीचे, तो अभी ये हो चुका है, अभी मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। ड्राई रोस्ट हो चुका है और अब मुझे लड्डू बनाने के लिए गुड़ पकाना है, तो मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के फिर गुड़ दे दिया है, और जब तक कि ये गुड़ गलने लगेगा पानी में, मैं गैस के फ्लेम को हाई ही रखूंगी, और जैसे ही गुड़ गल जाएगा फिर मैं गैस के फ्लेम को लो कर दूंगी, नहीं तो क्या होगा कि गुड़ जो है वो जलने लगेगा। लड्डू बनाने के लिए गुड़ तैयार है कि नहीं ये देखने के लिए मैंने एक बाउल में ठंडा पानी ले लिया है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के देखूंगी। अगर गुड़ सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि गुड़ तैयार है लड्डू बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा गुड़ जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, इसका मतलब है कि गुड़ को और थोड़ा पकाना है। तो हमारी दादी नानी जो है वो सब भी यही किया करती थी, लड्डू बनाने के टाइम पे ऐसे ही देखती थी गुड़ को, और मैं भी जब भी लड्डू बनाती हूँ तो ऐसे ही गुड़ को चेक कर लेती हूँ एक बार कि ये लड्डू बनाने के लिए तैयार है कि नहीं। रोस्टेड तिल को मैं थोड़ा सा
अलग से स्टोर करके रख रही हूँ ताकि मैं कुछ और रेसिपीज़ में भी यूज़ कर सकूँ, खास करके जब मैं नान बनाती हूँ तो उसमें ज़रूर यूज़ करती हूँ ये तिल। और इसका एक और भी फ़ायदा है, वो ये है कि अगर गलती से गुड़ ज़्यादा हो जाता है लड्डू के लिए तो उसमें मैं फिर से ये स्टोर किया हुआ तिल को यूज़ कर सकती हूँ। अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके गुड़ डालती जाऊंगी और तिल के साथ अच्छे से मिलाती जाऊंगी। तो पूरे गुड़ को एक साथ में नहीं डालना है क्योंकि गुड़ ज़्यादा भी हो सकता है और एक ही जगह पे चिपक जाएगा फिर गुड़। तो थोड़ा थोड़ा करके ही अच्छे से गुड़ और तिल को मिलाना है और उसके बाद जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद तिल के लड्डू बनाऊँगी। तो ज़्यादा गर्म रहेगा तो भी नहीं बनता है और ठंडा होने पर भी लड्डू नहीं बनता है। हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेने से लड्डू अच्छे से बनता है और इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा भी अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा छोटा भी देखने में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अपने पसंद से साइज़ बनाया है, बाकी आपके पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। और लड्डू ऐसा बनना चाहिए कि खाने के बाद दांतों को भी पता चलना चाहिए कि हाँ मैंने तिल का लड्डू ही खाया है, क्योंकि ये सॉफ्ट होने से बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता, थोड़ा सा हार्ड बनता है ये। और इसमें आपने देखा है कि मैंने ना ही इसमें घी डाला है और ना ही चीनी डाला है, पूरा हेल्दी बनाया है। मैंने तिल को स्टील के बर्तन में इसलिए रखा था ताकि इसे गर्म कर सकूं, ये चिपक गया है। तो अभी थोड़ा सा लो फ्लेम में ही थोड़ा सा अगर गर्म कर लूं तो ये आराम से निकल जाएगा, तिल जो है ये आराम से निकल जाएगा। और इस बर्तन को क्लीन करना भी बहुत ही आसान है। बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के पानी को गर्म कर लीजिए, फिर इसमें से गुड़ तिल जो भी लगा होता है वो सब निकल जाता है। तो यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो आने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।